हरियाणा में जहां एक तरफ पूरा शहर नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, तो वहीं एक परिवार के लिए दुखद घटना सामने आई। पंचकुला के सेक्टर 6 और सेक्टर 7 की डिवाइडिंग रोड पर क्रेन से बाइक टकराने का मामला सामने आया है, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है और एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे MDC की तरफ से बाइक सवार ट्रैफिक लाइट से सेक्टर 6 की तरफ जा रहे थे कि उसी दौरान सामने से एक तेज रफ्तार क्रेन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि 2 युवकों की मौत हो गई। सर, रात लेट नाइट एक एक्सीडेंट हुआ है, तो सर क्या मामला है, किस पे थे, क्या थे हुआ है? कल रात को पंचकुला की सेक्टर 6-7 की ट्रैफिक लाइट के पास एक कार की टोइंग वैन और मोटरसाइकिल सवारों के बीच एक्सीडेंट हो गया था। इसमें मोटरसाइकिल सवार में जो 3 लोग सवार थे, इसमें 2 की मौके पर डेथ हो गई थी। सभी को हमने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। तीसरा है वो अभी गंभीर स्थिति में, वो उसका इलाज चल रहा है। तो सर क्या क्या नाम है और किस वजह से एक्सीडेंट हुआ और क्या करते थे यहाँ पे पंचकुला में? ये बता रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल सवार थे, ये 3 किसी सेक्टर 11 के कपड़े के शोरूम में लग रहे थे। वहाँ से 9:30 बजे अपनी दुकान बंद करके आ गए थे। अब उसके बाद ये MDC की तरफ गए थे, रात को आए थे 10:30-11 बजे उधर से। ये MDC से 5 सेक्टर 5 अपने घर की तरफ जा रहे थे और जो टोइंग वैन थी वो ओल्ड पंचकुला से मनी माजरा की तरफ जा रही थी। तो सर पर 6-7 की ट्रैफिक लाइट के पास इनका फिर एक्सीडेंट हो गया। सर क्या क्या नाम है और क्या क्या उम्र है सर इनकी? इसमें मरने वालों की जो नाम है वो चंडीचरण दास महतो, वेस्ट बंगाल का, उम्र करीब 34 साल, और दुर्गा प्रसाद, ये मूल रूप से गोंडा का रहने वाला लेकिन फिलहाल ये हरिपुर में रहता था, इसकी उम्र 31 साल। और तीसरा है जितेंद्र, वो भी हरिपुर में है, मूल रूप से UP का रहने वाला, उसकी उम्र 21 साल, उसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। तो सर परिवार आ चुके हैं इनके सभी? हाँ, परिवार आ चुके हैं, हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। अभी सर किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज भी किया है? अभी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं टोइंग वैन वाले के खिलाफ और उसमें जैसी कानूनी कार्रवाई भी कागज करेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।